वेलकम गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं फन प्लस टेक। और यहाँ पर आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं रेडमी नोट 7 की, जो कि लेटेस्ट मॉडल आया है रेडमी नोट सीरीज के अंदर। और इसमें आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 660 प्रोसेसर मिलता है, जो कि ओवरक्लॉक्ड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और इसमें 6.3 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है। और इसमें आपको 12+2 MP का डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि क्विक चार्ज 4 की सपोर्ट करती है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास 4GB and 64GB वाला मॉडल है, जो कि आपको 11,999 rupees में फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैं अपने घर वाले नाइफ से इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच। तो हम अब इसका हम डिब्बा खोलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस सेक्शन में आपको देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे आपको एक सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, और एक यहाँ पे टीपीयू का, जिस कलर में आप मोबाइल मंगाएंगे, ये ब्लैक है तो इसलिए ब्लैक कलर का सॉफ्ट टच केस मिला है। बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी का है और फोन को अच्छी तरह प्रोटेक्ट भी करता है। बाकी आपको यहाँ पे मेन फोन यूनिट मिलता है। फोन थोड़ा क्वाइट हैवी है, बट दिखने में बहुत ही स्लीक और मस्त लग रहा है। यहाँ पे हम इसके स्टिकर सबसे पहले हटा देते हैं। यहाँ पे Redmi by Xiaomi की ब्रांडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेड इन इंडिया। यहाँ पे आपको देखिए मेड इन इंडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं फोकस कर लेता हूँ पहले, इसमें नहीं दिख रहा तो मैं आपको डिब्बे पे दिखा देता हूँ। जैसा कि ये लिखा है, इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन, और इसके बैक में लिखा है मेड इन इंडिया। सो गाइज, और हम देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या मिलते हैं। हमको यहाँ पे एक 10 वॉट का नॉर्मल चार्जर मिलता है, बट ये फ़ोन आपका क्विक चार्ज 4 सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पे एक बढ़िया सा क्विक चार्ज 4 का चार्जर मंगा सकते हैं, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सो आपको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। मैं लिंक कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। यहाँ पे आपको ये टाइप सी की केबल मिलती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, रेडमी की तरफ से आपको फ्री मिलती है इन बॉक्स कंटेंट्स। सो फर्स्ट हम लोग अपने मेन डिवाइस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी ऊपर की फिल्म को हटा लेते हैं, तब तक मैं फ़ोन स्टार्ट कर देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें Redmi by Xiaomi लिख के आ गया है। बाकी बॉक्स कंटेंट्स मैं साइड कर देता हूँ। जब तक फ़ोन सेटअप करता हूँ, तब तक आप एक मिनट वेट करिए, मैं फ़ोन सेटअप कर लेता हूँ। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फ़ोन पूरा सेटअप हो चुका है, और यहाँ पे कुछ अपडेट जैसे हो रही हैं, लेकिन मैंने भी वाईफाई से कनेक्ट नहीं करा है। सो सबसे पहले हम इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाते हैं, इसका कैमरा AI कैमरा मोड लिख के आ गया है, और हम यहाँ पे कुछ कैमरा फोटोज़ खींचने की ट्राई करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, बेडशीट आपको फ़ोन में ज़्यादा अच्छी दिख रही होगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम आपको कैमरा सैंपल्स दिखाना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं, नोट बहुत ही अच्छी तरह से कैमरे को जज कर रहा है, और इसका फीचर्स बहुत ही अच्छा है, और सेल्फी कैमरा भी बहुत ही अच्छा है इसका। मैं सेल्फी कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में भी एक आपको फोटो खींच के दिखा देते हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का इसने ब्लर करा है। फ़ोन बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले मैं आपको इसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों में ही गोरिल्ला ग्लास 5 मिल रहा है, तो प्रोटेक्शन आपको बहुत ही अच्छी मिल रही है। फ़ोन बताया जा रहा है कि थोड़ा कम स्ट्रांग है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखने में बहुत ही प्यारा और गुड लुकिंग फ़ोन है। थोड़े से बेजल्स इसमें ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन दिखने में बहुत ही अच्छा फ़ोन है। आपको फ़ोन में अबाउट में जाके दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 4GB वाला मॉडल है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 AI 2.2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जो मैक्सिमम 2.2 GHz क्लॉक पे रेट है। नॉर्मल नहीं है, जैसे कि एसुस में आपको 1.96 GHz पे मिलता है। और इसमें आपको 64GB में से 52.464GB अवेलेबल मिलती है आपको यूज़ करने के लिए। इसमें आपको एंड्रॉयड का सीधे 9.9.9 वर्जन मिलता है, एंड्रॉयड 9 पाई।
सो आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड मिल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ओवरऑल मैं आपको इस फ़ोन के बारे में और कुछ बताना मेरे को और समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी बहुत ही अच्छा फ़ोन है, दिखने में बहुत ही प्यारा है और आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। और इस सबसे बढ़िया इसका जो प्राइस है जो आप केवल 11,999 रुपीज़ है, 12,000 रुपये के आसपास से आपको फ़ोन मिल जाता है, बहुत ही अच्छे प्राइस वैल्यू के साथ आता है। एक बार मैं आपको इसका फेस अनलॉक भी करके दिखा देता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे अपना फेस सेट कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी तेज़ी से। मैं अपने हाथों को बिल्कुल पीछे रखता हूँ, सारी उंगलियों को आगे, और मैं दिखाता हूँ आपको बिल्कुल ये 1 सेकंड की लॉक स्क्रीन आती है, फिर उसके बाद ये तुरंत फ़ोन खुल जाता है। बहुत ही क्वाइट रिस्पॉन्सिव इसका फेस अनलॉक है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो बात ही अलग ही है, बहुत ही तेज है, मतलब बिल्कुल जैसे उंगली लगाने के पॉइंट पॉइंट सेकेंड भी आप काउंट नहीं कर सकते उतनी स्पीड में खुल जाता है, यानी बहुत ही सुपर फास्ट रिस्पॉन्सिव है। गेम मोबाइल तो बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको एड्स वैड्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एड्स इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं। आपको हर जगह ऐड नहीं मिलते हैं, सेटिंग्स में बिल्कुल ऐड नहीं मिलते हैं, आपको केवल इनकी जो लोकल ऐप्स हैं एम आई वीडियोज एंड म्यूज़िक इन सब में ऐप्स मिलते हैं, और जो इंस्टॉल करने के बाद जो एक पेज आता है उसमें आपको ऐप्स एड्स मिलते हैं। लेकिन आप फ़ोन के किसी भी तरह से आप फ़ोन से डिसपॉइंटेड नहीं होंगे, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, मेरी तरह से फुल्ली थम्स अप है, इसको आप ले सकते हैं और अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, और आपको ऐसे ही नए नए मोबाइल के वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस, मेरा नाम है मांचू और आपने देखा फन प्लस टेक पे ये नया रेडमी नोट 7 का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो थैंक यू एंड प्लीज़ बिग थम्स अप एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू गाइज़।